उत्तरी विधानसभा में 10 फरवरी को मतदान होना है। हम आपको बता दें कि आगरा के अंदर 9 विधानसभा हैं और उत्तर प्रदेश के पहले चरण में 11 जिलों के 58 विधानसभा में मतदान होना है। आज जनता के बीच है, जनता से जानेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर जो है मतदाता मतदान करने जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ जो युवा है, इनसे जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं। क्या नाम भैया? मोनू नाम है। मोनू नाम है। अच्छा मोनू भाई, क्या मुद्दे रहेंगे जिसको वोट करने जाओगे? इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देखो, अखिलेश भैया आएंगे, विकास होगा और युवाओं को नौकरियाँ मिलेंगी और अच्छा काम होगा। अच्छा ये बताइए, आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? यहाँ पे 89 विधानसभा, उत्तरी विधानसभा। जी। अच्छा तो यहाँ के विधायक कौन है वर्तमान में? वर्तमान में हैं, क्या नाम, बीजेपी के पुरुषोत्तम खंडेलवाल। हैं, उन्होंने कोई काम कराया आपके क्षेत्र में? नहीं। अच्छा अच्छी बताइए आप मुझे कि आप किसको वोट करने वाले हैं? सपा को वोट करना। आपको पता है यहाँ का इतिहास रहा है कि आज तक यहाँ समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं है उत्तरी विधानसभा से? नहीं जीती, लेकिन इस बार जीतेगी। अच्छा क्या आंकड़े हैं जिससे जीतेगी? आंकड़े यहाँ के देखो, सब वोट अब सपा को ही दे रहे हैं, सपा को सब वोट दे रहे हैं। अच्छा तुम बताएं यहाँ पे कि हाई कास्ट का कितना वोट है? हाईस्ट कास्ट का है 80-90 हज़ार। 80-90 हज़ार। मैं आपकी जान के बता दूँ कि 2 लाख करीब हाई कास्ट का वोट है। ठीक है, तो आप अपने वोट से क्या सपा को जितवा दोगे? ये सब मिल के देंगे बस। ही कौन कौन दे रहा है? जैसे मुस्लिम देंगे, यादव देंगे। अच्छा मुस्लिम वोट। अच्छा चलिए एक बात बताइए कि आपकी आगरा के अंदर 9 विधानसभा सीटें हैं और अखिलेश यादव ने एक भी सीट पर किसी मुसलमान प्रत्याशी को नहीं उतारा है, और इसके अलावा मुजफ्फरनगर एक बड़ा मुस्लिम क्षेत्र माना जाता है, बहुल क्षेत्र माना जाता है, वहाँ भी समाजवादी पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। क्या इसका असर देखने को मिलेगा? मुसलमान नाराज है समाजवादी पार्टी से? हाँ थोड़ा होगा ना, थोड़ा है। तो फिर आप फिर भी समाजवादी वोट दोगे? हाँ सपा को। अच्छा सपा को दोगे। अच्छा मैं आपको एक जानकारी और बता दूं आपको कि आपको पता है कि बसपा ने आगरा में 2 मुसलमान विधायक दिए हैं, पता है आपको? नहीं, बसपा ने 2 विधायक दिए हैं आपकी उत्तरी विधानसभा, मतलब एक तो चौधरी वो थे चौधरी वासनी साहब, एक भुट्टो जी, 2 विधायक दिए ना बसपा ने। तो बसपा ने मुसलमानों ने वोट दिया तभी तो बसपा जीती थी। हाँ बसपा जीती थी। तो आपको लगता है कि इस बार एक प्रत्याशी मुसलमान भी यहाँ खड़े होंगे उत्तरी विधानसभा पर? हाँ एक हुआ है, सभी अब्बास नाम है उनका। तो उनको वोट नहीं करोगे? नहीं। अच्छा सपा को ही करोगे? कोई फैक्ट नहीं पड़ता कि टिकट दिया है नहीं दिया है, सपा को वोट करो? हाँ सपा को ही करूँगा। इनसे चाचा से जानेंगे। हाँ चाचा किसको वोट करने वाले इस बार? सपा को ही देंगे। सपा को वोट करोगे? कोई मायने रखता कि जो है प्रिंस की टिकट काट दी सपा ने समाजवादी पार्टी ने? कोई मायने रखता? यहाँ तो सपा तो कभी जीती नहीं है। वोट तो हम उसी को देंगे, इस बार तो जिताएंगे। इस बार जिता दोगे? अच्छा कौन से आंकड़ों जिता को चाचा? अब इतना आइडिया नहीं है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जाटा समाज करीब 70,000 वोट है और करीब 40-45,000 मुसलमान वोट है। अगर दोनों मिलकर एक प्रत्याशी को वोट डालते हैं तो वो जीत सकता है? हाँ जो बात तो सही है, हाथी जीत जाएगा ना। तो फिर आप अपना वोट क्यों खराब कर रहे हैं? टाइम पर शायद दे भी दें क्या? अच्छा टाइम पर दे दें। अच्छा सोच रहे हैं जिस तरीके चौधरी बाजी निसार को उसको जितवाया था और जो है भुट्टो को जितवाया, तो इस बार शब्बीर अब्बास को जिता सकते हैं। चलिए भाई साहब से भी जानेंगे। जी भाई 10 तारीख को किसको वोट करने जा रहे हो? सपा को देंगे भाई। सपा को वोट दोगे? कोई मुद्दे नहीं रहेंगे? मुद्दे कोई नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी यहाँ से कभी जीती तो नहीं है? जिताएंगे इस बार। इस बार जिता दोगे? 45,000 वोट जिता देगा आपका? बिल्कुल 45,000 वोट जिता देता भाई, 45,000 तो बहुत हो गए। अच्छा तो वोट और कहाँ से लाओगे? क्या जी? और वोट कहाँ से लाओगे? 45,000 मुसलमानों वोट चल डल जाएगा एक तरफा, तुम कह रहे हो, मैं मानता हूँ 45,000 वोट डल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सपा का कौन सा वोट है? सपा का वोट ऐसा है ना कि भाई और भी समाज वाले हैं जो कि दिए जाएंगे। अगर आप एक बात कहें कि आगरा से बाहर सपा जीत रही है तो मैं मान सकता हूँ। नहीं यहाँ, लेकिन उत्तरी विधानसभा से यहाँ से भी जिताएंगे? जिता हुए मन मना लिया है? बिल्कुल। अच्छा इसके कामों से हम तंग आ चुके हैं बस। नहीं तो आपको ऐसा लगता कि आपका वोट खराब हो? खराब पहले क्या खराब नहीं हुए? इस बार भी खराब कर दोगे? नहीं इस बार खराब थोड़ी करने देंगे हम। नहीं करने दोगे? नहीं। तो किस ऐसे प्रत्याशी जा रहे हो जीतेगा? हाँ जी जिताएंगे बिल्कुल, सपा को जिताएंगे। सपा को जिताओगे? चलिए भाई साहब सपा को जिता रहे भैया। और चाचा से जानेंगे, चाचा काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, और चाचा से जानेंगे। चाचा ये बताइए 10 तारीख को वोट डालने तो जाएंगे आप? जरूर जाएंगे साहब। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा भाई ये बताइए कि अभी तक का यह इतिहास रहा है, आपने काफ़ी बार वोट डाले होंगे विधानसभा में, अभी तक यहाँ से सपा जीती है कभी?
नहीं जीती है, हाथी जीता है यार, भाजपा जीती है, हाथी जीती है, हाथी जीता, तो इस बार भी हाथी से प्रत्याशी खड़ा है। हाँ, दूसरे नंबर पे आता, आप एक नंबर पे आया, अगर दूसरे नंबर पे आता है कि अगर तुम्हारा वोट डल जाएगा तो वो नंबर वन भी आ सकता है, नंबर वन भी आ सकता है, तो किसको वोट डालेंगे? हाथी को डालेंगे, हाथी को डालोगे, इस बार जितवा दोगे। अरे वाह भाई वाह। हाँ भैया, किसे वोट डालने वाले हो? हाथी को। हैं? हाथी को। हाथी को वोट डाल ले हो, तो हो सकता है हाथी जीत जाए। हाँ जीतेगा, हाथी का वोट है भाई, हाथी का वोट है यहाँ पे। हाँ, हाथी का बैंक वोट है। हाँ, तो हाथी जीतेगा। वो तो ये है कि बढ़िया था, पहले तो भाजपा जीत गई थी। हाँ। अब हाथी का वोट पूरा भाजपा को हराना है। भाजपा को हराना नहीं, हाथी को लाना है। भाजपा को हराना तभी हाथी आएगा। हाँ, हाथी आ जाएगा अपने आप ही। हाथी आ जाएगा, हराना मत सोचो, जिताना बस बोलो। बसपा को जिताना है, बसपा को जिताना है। अच्छा भाई, एक चीज़ बताइए, जैसे कि समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों को अपना बैंक वोट समझती है, लेकिन आपने देखा होगा आगरा में 9 विधानसभा है, किसी विधानसभा सीट पर किसी मुसलमान प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, तो इससे कोई ना कोई नाराजगी है मुसलमानों में। हाँ, नाराजगी जो नहीं भाई, ये मुसलमानों को वोट मांग रहे हो, मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे हो, तो नाराजगी नहीं होगी? और दक्षिण विधानसभा में बहुत सारा वोट मतलब के लिए तो हमें यूज कर रहे हो, और हमारा काम आया तो मुंह फेर ले रहे हो। हाँ, ये भाई भाई ये बात आपने बहुत बढ़िया कही भाई, मुसलमान को वोट बैंक तो समझ रहे हो, मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दे रहे हो? बात है, किसी काम दिखाई सब मुंह फेर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काय के लिए चुनो, अब उसको चुनो जो हमें भाई फिर पहचाना। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, कि जो समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी मानी जाती है, उसका पूरा उत्तर प्रदेश में 60% मतलब 7% वोट है, और जबकि मुसलमानों का 20% है, और फिर ही मुसलमानों को टिकट नहीं। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं, जब मुसलमानों से टिकट वोट मांग रही है, टिकट नहीं दे रही है, तो क्यों काय को वोट दे थे? बसपा ने टिकट दिया आपकी विधानसभा, बसपा को डालेंगे, बसपा को वोट डालोगे? हाँ, जीतेगा, काम करा रहे हैं यहाँ पे बसपा, बसपा को, बसपा ने बहुत काम करा है, बसपा जीत सकती है। हाँ, चलिए भाई। हाँ भाई, अरे मुस्कुराओ मत, अरे आ जाओ, थोड़ा बता दो, चलो इनसे जाने के भाई खड़े हमारे सामने। जी भाई, किसको वोट करने वाले? साइकिल को करेंगे भाई। साइकिल को करोगे? जी। मन मना लिया है? मन मना लिया, पहने अंग्रेज के भाई, शाबाश। अखिलेश आना चाहिए मुख्यमंत्री? अखिलेश बिल्कुल बनेगा, बीजेपी को हटाना, अखिलेश को लाना इस बार यूपी में। साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी यूपी में, और आपकी विधानसभा में? बिल्कुल सब में साइकिल चलेगी आपकी विधानसभा में, मान सकता हूँ यूपी में। हाथी पे वोट डालोगे तो वोट हमारा खराब होगा, इस बार बीजेपी को हटाना है तो साइकिल पे वोट डालना है। अच्छा, ये तो तुम्हारे विधानसभा में जो है कभी साइकिल तो दूसरे नंबर पे भी नहीं, पता है? इस बार साइकिल आएगी, इस बार आएगी, इस बार। कितना वोट है तुम लोगों को पता है? 20% है बिल्कुल डायरेक्ट। नहीं, तुम्हारी विधानसभा में मुसलमानों को कितना वोट है? जितना भी 45,000। अरे जितना भी है सब साइकिल पे डालेगा, सब साइकिल पे डालेगा बिल्कुल। मन मनवा लिया अखिलेश भैया को इस बार मुख्यमंत्री। नहीं, यहाँ पर तो मुसलमानों किसी को टिकट नहीं दिए सपा समाजवादी पार्टी, बात नहीं है। बीजेपी को हटाना तो साइकिल पे वोट डालना। अच्छा, बीजेपी जीती रही है? नहीं जीतेगी इस बार, बसपा का बैंक वोट है। इस बार वोट खराब नहीं होगा, इस बार साइकिल आनी है। नहीं, बसपा का बैंक वोट है पता है आपको? बिल्कुल है, 70,000। अरे जाटव समाज से ही बात हुई है, इस बार साइकिल पे वोट डालेगा हाथी पर। अच्छा, जाटव समाज, अगर साइकिल ने इस बार भी नोटंकी दिखाई तो फिर हाथी को लांगे, क्योंकि ये तो जनता है जिसकी सरकार आएगी बिजू को लांगे। तो इस बार हाथी के पास चांस है इस बार, क्योंकि मुसलमान खड़ा है। इस बार बीजेपी को हटाना है, मुसलमान हाथ के साथ है। हाँ, इस बार मुसलमान ही खड़ा है बस हाथी से। अरे बिल्कुल खड़ा है, सब तो फिर सपोर्ट खड़ा है, वोट खराब होगा उनको सपोर्ट। क्यों? 70,000 वोट है उनका, बिल्कुल वोट खराब होगा। और यादव होगा और साइकिल पे वोट डाले हुए तो बिल्कुल। कितना वोट है यादव का? कितनी समाजवादी पार्टी का वोट है यहाँ पे? तो है 40-45,000 पर। हम 40-45,000 वोट बन जाएगा विधायक? हम चाहेंगे इस बार साइकिल आए, साइकिल आए तुम्हारे चाहने से। बीजेपी को हटाना है, साइकिल लाना है। बहुत बढ़िया, चलो कर देने वाली इस समय साइकिल ही है। साइकिल पूरे उत्तर प्रदेश टक्कर दे रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तुम्हारी विधानसभा पे नहीं, अगर हाथी तुम्हारी विधानसभा पे नहीं, बिल्कुल नहीं है, पर साइकिल फिर भी वोट, यही बात है। उत्तर प्रदेश में आएगी साइकिल? हम तो तुम्हारी उत्तर प्रदेश में साइकिल आ सकती है, लेकिन अगर अगर विधानसभा की बात करो तो नहीं, तुम्हारी विधानसभा पे नहीं। आपकी बात सही है, इस बार नहीं आएगी तो अगली बार आएगी, पर साइकिल को लाएंगे, साइकिल को लाएंगे। अच्छा चलो, और भी जो है इन भाई से जाने का भैया, अरे आ जाओ बता दो। हाँ भाई, कांग्रेस इस विधानसभा पे। अच्छा, विधायक तो वो है तुम्हारा पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विनोद बंसल आ रहा है, विनोद बंसल जीत रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, ये आएगा समर्थन कांग्रेस के, वाह भाई वाह। ये बताइए ना भाई ने, भाई बहुत बढ़िया बात कि विनोद बंसल जीत रहे हैं यहाँ से भाई। और भी हैं, इनसे जानेंगे भैया, देख रहे भैया। हाँ, किसको वोट करने वाले इस बार? हम दंगे साहब, अखिलेश जी को। अखिलेश, साइकिल चलेगी, साइकिल बेगर हवा के चलेगी। अरे वाह, के चलेगी। अरे वाह भाई वाह, साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी, चैन उतर भी गए तो कंधे पे चलेगी। क्या बात है, वाह भाई वाह, साइकिल उतर कंधे पे ले जाओगे? अच्छा 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 अच्छा। अब भाई तुम भी आ जाओ, तुमसे बात नहीं हुई है, आ जाओ। नहीं नहीं, अरे आप आ जाओ यार, अरे आप भी भाई इनसे। हेलो भाई,
आ जाओ सुनाऊं। हाँ अजय जय आगे भैया साइकिल वाले। हाथी मर गया जाड़े में, फूल खिल गया बाड़े में और साइकिल चलती जाड़े में। देख लो क्या बात है, क्या बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस वक्त काफ़ी तादाद में लोग हमारे साथ हैं और इस विधानसभा, उत्तरी विधानसभा का जो चुनावी माहौल है वो गर्मा चुका है और यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार चाहती है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। और मैं आपको बताता चलूं, इस विधानसभा पर अभी तक जो है ना ही सपा जीती है और ना ही बसपा जीती है, लेकिन इस बार जो है जनता का मूड कुछ और है। हो सकता है कि जो इतिहास बीजेपी सरकार और जो है कांग्रेस ने बनाया है वो इस बार टूट जाए। ठीक है भाई।